अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, सर्दी आ गई है, उसका सबूत आपके सामने, ये मैंने पहना हुआ कोट और बाहर जाना था मैंने और इसलिए कोट पहन लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि आज 18 नवंबर है, 18 नवंबर को हमारे सादगा बाद की सालगिरह होती है, 86वीं सालगिरह। 1935 को बुनियाद रखी गई थी नवाब सादक खान अब्बासी, तो उन्होंने ये बुनियाद रखी थी सादगाबाद, उन्हीं के नाम पे है। तो 1935 में इसकी बुनियाद रखी थी और 1939 में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट से मुराद ये कि 2.5 लाख रुपया उस दौर में इस पे खर्च किया था। इसकी जो सरकारी इमारतें हैं जो आज भी मौजूद हैं सादगाबाद सिटी में, जिनकी मरम्मत करवाई थी, 2.5 लाख रुपया लगे था उस दौर में। तो आज उसी सिलसिले में हर साल ही, बल्कि हर साल ही सालगिरह बर्थडे मनाई जाती है। तो आज भी सालगिरह है, तो मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, तो मैंने वेल ड्रेस होना है ड्यूटी के लिए। मैंने सिविल वर्दी जो है वो पहननी है, शूज़ वगैरह लॉन्ग और किट वगैरह, पी कैप, तो वहाँ पे ड्यूटी देनी है। तो आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे झलकियाँ दिखाएंगे कि सेलिब्रेट कैसे करते हैं, सालगिरह कैसे मनाते हैं। बहुत ही बड़ा इवेंट होता है, बहुत ही बड़े जो प्रोफेसर वगैरह, सबसे बड़े प्रोफेसर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कासम अली शाह, वो भी यहाँ पे एक दो बार आए हैं सालगिरह सादगाबाद पर। तो आज जुमेरात है, आज 18 नवंबर है, तबलीगी मरकज़ में जो हमारे साहब के साबिका क्रिकेटर जो सईद अनवर साहब हैं, वो उनका भी आज बयान है, वहाँ पे आज ब्रीफिंग देनी है उन्होंने भी। तो सादगाबाद दो जो सरहदें हैं, दो सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान, इनके बिल्कुल ही संगम में वाकई है और पंजाब की आखिरी तहसील है। यहीं से पंजाब शुरू होता है, लेफ्ट और राइट को चले जाएं तो सिंध शुरू हो जाता है, पंजाब की आखिरी तहसील है और पाकिस्तान के बीच में वाकई है। यहीं से फिर कुछ किलोमीटर की दूरी पर बलूचिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, गुड्डू कश्मीर शुरू हो जाता है, तो वो बलूचों का इलाका है, गुड्डू दरिया है वहाँ हमारे बहुत ही मशहूर है, और भोंग मस्जिद है हमारे, कदीमी मस्जिद है, वो भी काफ़ी पुरानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, बहुत से लोग यूट्यूब पर पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि टैग्स वगैरह लगाया करें, ये इन चीज़ों का मुझे पता तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि YouTube पर पैसे कैसे मिलते हैं, अर्निंग कैसे होती है। अगर किसी को पता है तो यार इस बारे में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो डेली एक वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, मेरी एक रूटीन है, ड्यूटी से आकर मैं 15 से 20 मिनट का मेरा एक टॉपिक होता है जिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, जो मेरे माइंड में आता है, जो मेरे जहन में आता है। कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए एक मालूमती चीज़ लाऊं मैं, तो उस हिसाब से मेरी आज 30वीं या 31वीं वीडियो है, मुझे एक मंथ हो गया है वीडियो अपलोड करते हुए। और चैनल मेरा पुराना था, उस पे मैं सॉन्ग वगैरह अपलोड करता था, लेकिन वो मैंने बीच में छोड़ दिया था, कुछ मसला आ गया था, मोबाइल्स वगैरह मैंने सेल कर दिया था, तो उसके बाद मैंने तवज्जो नहीं दी, दोबारा मैंने वो सॉन्ग वगैरह डिलीट कर दिए सारे, क्योंकि मैं सॉन्ग नहीं करने वाला, मैं एक नई चीज़ व्लॉगिंग का मैंने सोचा था, व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, मैंने व्लॉगिंग भी करता हूँ और उसके अलावा मैं मालूमती वीडियो करता हूँ, और मैकेनिक भी हूँ मैं, बाइक मैकेनिक, उसके हिसाब से मुझे जितना मालूम है, जितना मैं बता सकता हूँ, मज़ीद इंजन के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ और बताऊँगा जब कभी भी मुझे टाइम मिला। दोस्तों, टाइम की बहुत शार्टेज होती है, एक तो मैं सुबह 8:30 बजे जाता हूँ और 5 बजे आता हूँ, उसके अलावा मैं
घर के एक दो काम होते हैं, मेरे दो बेटे हैं, बीवी बच्चे हैं, उनको भी टाइम थोड़ा बहुत देना पड़ता है। उसके बाद एक दो काम करके मैंने ये वीडियो बनानी होती है। वीडियो बना के उसके बाद मैंने 8 बजे 8:15 बजे गार्ड की ड्यूटी पे चला जाता हूँ। वहाँ से मैं 11 बजे आता हूँ। वीडियो अपलोड मैं 8 बजे कर देता हूँ, 8 बजे से पहले कर देता हूँ, कभी 8:30 भी कर देता हूँ। 11 बजे आता हूँ, उसके बाद आम रूटीन में मोबाइल में लग जाता हूँ, शेयरिंग वगैरह चेक करता हूँ और व्यूज़ वगैरह चेक करता हूँ, वीडियो वाचिंग वगैरह कर लेता हूँ अपनी। तो उसके अलावा सुबह फिर 8 बजे ड्यूटी पर जाना होता है, 7 बजे उठता हूँ मैं। तो ये ज़िंदगी है मेरी भाइयों। पूछना ये था कि यूट्यूब पर पैसे कैसे कमाते हैं यार, कोई मुझे बताएगा कैसे यूट्यूब पर पैसे कमाए जाते हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हमने इतने पैसे कमाए, हमने इतने, हमारे इतने डॉलर आ रहे हैं, और वो ऐड लग जाते हैं। वो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे अभी स्टार्ट किया मैंने। पहले भी मैंने वो चैनल बनाया था तो वो फेम के लिए बनाया था, वो पैसों के लिए नहीं बनाया था। उसमें लगभग मैंने 25-26 वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद मेरा वो चैनल मैंने रोक दिया था, मोबाइल बेच दिया था, मोबाइल ठीक नहीं था, ख़राब हो गया था। उसके बाद दोबारा मसरूफियात काफ़ी हो गई हैं, मसरूफियात होती रहती है, टाइम निकालने से निकलता है। मैंने कुछ टाइम नहीं निकाला, कुछ काम में बिजी था। उस वक्त मैं गार्ड की ड्यूटी भी नहीं करता था, जस्ट मैं 8 घंटे या 10 घंटे ड्यूटी करता था। उसके बाद मैं तकरीबन 14 घंटे समझो कि उसमें सोता था और फ्री था। तो अभी मेरी ड्यूटी सख्त हो गई है, आज मैं गार्ड की ड्यूटी से छुट्टी करूँगा। उसकी वजह ये है कि आज हमारे शहर की सादकबाद की सालगिरह है, जो कि 18 नवंबर को मनाई जाती है। 86वीं सालगिरह है। पाकिस्तान बनने से पहले का ये शहर आबाद है। 1935 में इसकी बुनियाद रखी गई, नवाब सादक खान अब्बासी, सॉरी अब्बासी ने इसकी शहर की बुनियाद रखी गई। उसके साथ ही हमारे साथ ही हमारा ज़िला है रहीम यार खान, वो भी इनके भाई थे, खानपुर वो भी इनके भाई, डेरा गाजी खान वो भी इन्हीं के नाम पे। ये चार भाई थे जिनकी ये रियासत थी, तो उन्हीं का ये आबाई इलाका था। तो उन्होंने उस दौर में 2.5 लाख रुपए दिया था हमारे सादकाबाद को, एक तारीखी शहर बनाने के लिए इमारतें वगैरह बनाई थी और इस पर खर्च किया था और इसका नाम रखा था। 4 साल लगे थे इसको बनाने में, नाम उन्होंने पहले ही सादिकाबाद रख दिया था। दोस्तों ये सादिकाबाद पंजाब में वाक़ है, पंजाब की आखिरी तहसील है। एक सादिकाबाद जो पिंडी में वाक़ है, छोटा सा इलाका है, पिंडी के साथ ही लगता है सादिकाबाद। तो ये वो इलाका नहीं है, ये सादिकाबाद पंजाब की आखिरी तहसील है। यहीं से सिंध शुरू होता है, यहीं से पंजाब की अख्ताम भी और शुरुआत भी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।